हेलो दोस्तों, लाइफ आई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने बल्बों के श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा था, आज उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 40 वाट तथा 60 वाट के बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए, 60 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ऑप्शन बी, 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ऑप्शन सी, 40 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन डी, 60 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है कि 40 वाट और 60 वाट के बल्ब किस में जोड़े गए थे, समांतर क्रम। इन्हें बाद में किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि श्रेणी क्रम में जो बल्ब कम वाट का होगा वो बल्ब अधिक प्रकाश देगा। तो यहाँ आंसर होगा 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो बल्ब अपने पास कम वाट का होता है उसके मध्य वोल्टेज क्या होता है, अधिक होता है। इसी के कारण से ये क्या होता है, अधिक प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 वाट व 200 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिपथ की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 300 वाट, ऑप्शन बी 67 वाट, ऑप्शन सी 80 वाट, ऑप्शन बी 150 वाट। देखिए, बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो पावर होती है वो अपने पास इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, P1 मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। यहाँ हमें वाट क्षमता दे रखी है 100 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 300, 20 से 20 कट गई। यहाँ अपने पास 200/3, 66.66, तो नियर अबाउट इसे मान सकते हैं हम 67 वाट। तो राइट आंसर होगा 67 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 वाट, 200 वाट, 60 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यदि 60 वाट का बल्ब इनमें से फ्यूज हो जाता है,
तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ऑप्शन बी, 200 वाट का बल्ब कम प्रकाश देगा। ऑप्शन सी, 60 वाट का बल्ब प्रकाश नहीं देगा। ऑप्शन डी, सभी बल्ब प्रकाश नहीं देंगे। देखिएगा, बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन में कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सभी बल्ब क्या होते हैं, प्रकाश नहीं देते हैं, क्योंकि जो फिलामेंट अपने पास जो बल्ब फ्यूज होगा उसका फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट बनेगा तो ओपन सर्किट में धारा बहती ही नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, सभी बल्ब प्रकाश नहीं देंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बल्बों का समांतर क्रम संयोजन। देखेंगे यहां दो बल्ब कंसीडर करते हैं हम, इन दोनों बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट लेते हैं। ये बल्ब हमारे पास 40 वाट 240 वोल्ट का और ये बल्ब हमारे पास 60 वाट 240 वोल्ट का। अगर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, R1 V1 का स्क्वायर अपॉन P1, 240 मल्टीप्लाई 240 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारे पास आता है 1440 ओम। सिमिलरली इसी मेथड से हम किसका कैलकुलेट करते हैं, 60 वाट वाले बल्ब का, R2 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन P2, V2 भी 240 है, 240 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आया 960 ओम। देखिएगा इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 960 ओम, और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास है 1440 ओम। करंट देखिएगा, यहां से करंट हमारे पास आई आती है, इस वाले में जो करंट हो गई वो I2 मान लिया हमने और यहां मान लिया I1। I1 कैलकुलेट की जा सकती है V अपॉन R1, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसलिए वोल्टेज क्या रहेगा, समान, तो 240 डिवाइडेड बाय 140। सिमिलरली I2 कैलकुलेट कर सकते हो आप V अपॉन R2, 240 डिवाइडेड बाय 960। तो यहां से देखिएगा कि ये रेजिस्टेंस अपने पास आई है तो ये करंट कम होगी, तो 40 वाट वाले बल्ब के पास जो करंट जाएगी वो क्या होगी, कम करंट फ्लो होगी, और जो अपने पास 60 वाट वाले बल्ब के पास होगी जो करंट जाएगी वो कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये अपने पास 1/4 एम्पियर, और इसको कैलकुलेट किया तो ये 1/6 एम्पियर, तो ये करंट अपने पास होगी टोटल जो कैलकुलेट की है आपने वो अपने पास 1/4 एम्पियर, तो ये अपने पास करंट ज्यादा होगी
तो समांतर क्रम में जो बल्ब अधिक वाट का है उसके पास करंट ज्यादा जाती है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी। पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टू, आई टू इंटू आर टू। आई टी जो है हमारे पास कितना है, 1/4 इसका स्क्वायर। आर टू की जो वैल्यू है वो कितना है, 960। तो ये कितना आ गया, 60 वाट। यानी कि समांतर क्रम में ये जो अपने पास बल्ब है अपनी पूरी पावर यूटिलाइज करता है, 60 वाट। इसी तरीके से जो 40 वाट का बल्ब है इसकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, P1 I1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R1। तो I1 जो अपने पास है 1/6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 40, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/36 44। कैलकुलेट करने पर हमारे पास मिलता है 40 वाट। तो परिपथ की जो टोटल पावर होगी P समांतर क्रम में वो हो जाएगी P1 + P2 = 100 वाट। तो यहां से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कि फर्स्ट तो एक ये कि बल्बों के समांतर क्रम में जो बल्ब अधिक वाट का होता है वो अपने पास अधिक प्रकाश देता है क्योंकि वो अधिक धारा लेता है। बल्बों के समांतर क्रम में जिस बल्ब की वाट क्षमता अपने पास ज्यादा होती है उसमें धारा अपने पास ज्यादा होती है। देखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से अपने पास। फर्स्ट, बल्बों के समांतर क्रम संयोजन में जिस बल्ब की वाट क्षमता अधिक होती है वह बल्ब अधिक प्रकाश देता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बल्बों के समांतर क्रम संयोजन में जिस बल्ब की वाट क्षमता अधिक होती है वह अधिक धारा लेता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बल्बों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की कुल शक्ति सभी बल्बों की वाट क्षमता के योग के बराबर होती है मतलब हम लिख सकते हैं P = P1 + P2 + P3 + and so on Pn। नोट कर लीजिएगा।